जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 अगस्त को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे देश में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर के दीवानी न्यायालय, वाह न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला सहित सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो कि हर जगह जाकर लोगों को जागरूक करेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीयवाद, MB एक्ट, ई चालान, ट्रैफिक चालान, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, श्रमवाद, विद्युत व जल विवाद सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त तिथि पर जो भी न्यायालय में या अन्य किसी भी विभाग में आपके मामले हैं जो सुलह समझौते से निस्तारित हो सकते हैं, मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि वह ऐसे सभी मामलों को दीवानी न्यायालय में या किसी भी विभाग में हो वहाँ अपना प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराएं।